नाटक शुरुआत। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। न्यूज नाइट में हम बात करेंगे विकास की राह पर दौड़ते पूर्वोत्तर ने आज डिजिटल कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। विशेष चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी है। आपको बताएंगे अंतरिक्ष की उड़ान के लिए दुनिया के भरोसे पर कैसे खरा उतर रहा है भारत और इसरो ने किया है आखिर कौन सा कमाल। बात होगी कर्नाटक के चुनावों की भी, इसके अलावा भी होगी देश दुनिया के हर जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अरुणाचल प्रदेश को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 254 मोबाइल टावर्स मिलने से पूर्वोत्तर के विकास को मिली रफ्तार, 336 गांवों को मिली डिजिटल कनेक्टिविटी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा संचार से संपर्क के अलावा अनेक अवसरों के खुले दरवाजे। नागालैंड में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने म्यांमार सीमा पर पहले गांव अवंगखू का किया दौरा। केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री ने कहा केंद्र सरकार पूरे उत्तर पूर्व के विकास पर दे रही है ध्यान। अंतरिक्ष की उड़ान के लिए दुनिया के भरोसे पर खरा उतरा भारत, कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग में हासिल की एक और उपलब्धि। इसरो ने पीएसएलवी C-55 के जरिए सिंगापुर के दो सैटेलाइट्स का किया सफल प्रक्षेपण। पश्चिम बंगाल में लचर कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा का एक और मामला आया सामने। उत्तरी दिनाजपुर जिले में नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के बाद भड़की हिंसा। भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। कर्नाटक चुनाव के लिए हुए नामांकनों की जांच पूरी। कांग्रेस ने सीएमओ पर निर्वाचन अधिकारियों पर दबाव बनाने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कांग्रेस भाजपा के खिलाफ गढ़ रही है झूठी कहानियां। पुंछ में गुरुवार को हुए कायराना हमले के दो दिन बाद सेना का तलाशी अभियान जारी। पुलिस ने संदिग्धों को लेकर हिरासत में की पूछताछ। एनएसजी ने घटना स्थल का किया दौरा। वीर शहीदों को उनके गृहनगर में दी गई अंतिम विदाई। भारत ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक 2023 में लगाई छलांग। ताजा रैंकिंग में 139 देशों के बीच 6 पायदान बढ़कर हासिल किया 38वां स्थान। बुनियादी ढांचे, तकनीक, डिजिटलीकरण की मदद से किया ये कमाल। देश भर में अक्षय तृतीया के मौके पर लोगों ने जमकर की सोने चांदी की खरीदारी। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से चार धाम की यात्रा हुई शुरू। श्रद्धालुओं ने इस मौके पर नदियों में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। भारत समेत दुनिया भर में हर्षोल्लास और अकीदत के साथ मनी ईद। देश भर में रोजेदारों ने नमाज अदा कर दी ईद की मुबारकबाद। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी ईद की बधाई। और न्यूज राइट में सबसे पहले बात विकास की राह पर दौड़ते पूर्वोत्तर की। विकास की राह पर दौड़ते पूर्वोत्तर ने आज डिजिटल कनेक्टिविटी की दिशा में एक और छलांग लगा दी। पूर्वोत्तर के सुदूर सीमावर्ती गांवों को जोड़ने की दिशा में अरुणाचल प्रदेश में 4G मोबाइल टावर की सौगात मिली।
ये टावर बेहतर कनेक्टिविटी से अब तक वंचित रह गए गांवों को 4G की सेवाएं प्रदान करेंगे। इससे अरुणाचल प्रदेश के 336 गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी में आसानी मिलेगी। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के विकास पर लगातार काम कर रही है। पूर्वोत्तर के सुदूर सीमावर्ती गांवों को जोड़ने की दिशा में अरुणाचल प्रदेश को 4G मोबाइल टावर की सौगात मिली। ये टावर बेहतर कनेक्टिविटी से अब तक वंचित रहे गांवों को 4G सेवाएं प्रदान करेंगे, जिससे अरुणाचल प्रदेश के 336 गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी में आसानी होगी। इन गांवों में कई ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो आज़ादी के बाद से अब तक बिना कनेक्टिविटी के रहे। उम्मीद है इस पहल से 70,000 से अधिक ग्राहक लाभान्वित होंगे। 4G टावर को राष्ट्र को समर्पित करते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सीमाई इलाके में मिशन 500 को लागू करना सरकार की अहम जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें राज्यों की भी भूमिका है और उन्हें भी बढ़ चढ़कर राज्य के विकास में भागीदारी निभानी होगी। हमने प्रधानमंत्री का लक्ष्य को कह दिया कि 2024 मार्च से पहले अरुणाचल प्रदेश में कोई गांव नहीं बचना चाहिए जो 4G कनेक्शन नहीं हुआ है। एक मिशन मोड में हमने टारगेट किया और सारे डिप्टी कमिश्नर ने अपने टीम के साथ पूरा मिशन मोड में काम किया। तो प्रधानमंत्री जी का सोच के साथ साथ अश्विनी वैष्णव जी और उसके टीम सब ने मिशन मोड में काम किया और राज्य सरकारों का मदद से और बाकी जितना एजेंसी से सब ने एक टीम के रूप में काम किया। इसलिए जब मुझे बताया गया कि जो पहला लॉन्च का कार्यक्रम का डेट तय कर दिया है तो मुझे पर्सनली बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है, क्योंकि जब मिशन मोड में काम करता है तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संचार का महत्व केवल संपर्क के लिए ही नहीं है, बल्कि अनेक अवसरों के दरवाजे भी खुलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा पूर्वोत्तर में 2014 के मुकाबले BTS की संख्या 5 गुना बढ़ी है। आप वेस्टर्न बॉर्डर से लेके नॉर्थ, नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट, कंप्लीट बॉर्डर को मैप किया गया है प्रॉपरली। बहुत जल्दी हर एक बॉर्डर विलेज में, हर एक बॉर्डर एरिया में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हाई पावर के 4G इक्विपमेंट लग रहे हैं, तेजी से लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। तो बहुत जल्दी हर एक जगह आप देखेंगे सबको इंडिया के ही मोबाइल का, इंडिया के ही सिम का सिग्नल मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस मौके पर कहा कि आज अरुणाचल प्रदेश में 254 टावर का एक साथ मिलना जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है। जल्द ही राज्य में 1150 और नए 4G टावर लगाए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में आज अराउंड 254 टावर का एक साथ लॉन्चिंग होना, तो हमारे पूरे अरुणाचल के जो दूरदराज में जो बैठे हुए हमारा जो जनता है, जो पब्लिक है और खास करके जो युवा है, उन लोगों के लिए बहुत ही एक सुख, एक खुशी का ही एक अवसर है। इस जो भी हमारी 54 टावर्स है, जिसे आप सब लोग जानते हैं और हम लोग आज थोड़ी देर पहले एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी देखा, करीबन 70,000 पॉपुलेशन को हम लोग कैटर करेंगे और अभी लक्ष्य अभी भी हम लोग का बाकी है, तो और भी मोर देन 1,150 टावर्स और भी हम लोगों को करना है। भारत सरकार ने सीमावर्ती सुदूर ग्रामीण इलाकों को सीधे संसाधन और सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य के हिस्से के रूप में 2,675 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अरुणाचल प्रदेश में 3,721 गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 4G मोबाइल टावरों को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य अगले साल मार्च तक रखा गया है। ईटानगर से ऋषि कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और पूर्वोत्तर में जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के साथ ही मोदी सरकार की एक बड़ी सफलता रही है कि पूर्वोत्तर को लेकर वो लोगों की सोच में बदलाव ला पाई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दौरान सरकार ने अब सीमा के सबसे आखिरी छोर पर बसे गांव को पहला गांव करार दिया है, उसको पहला गांव माना है। नागालैंड के दौरे पर पहुंचे सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने म्यांमार सीमा पर देश के पहले गांव अवंगखू का दौरा किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने तमाम विकास कार्यों का जायजा लिया और केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। देखिए यह विशेष रिपोर्ट।
सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि मोदी सरकार सीमावर्ती इलाकों और गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। अपने दो दिवसीय नागालैंड दौरे पर भारत म्यांमार सीमा पर देश के अंतिम गांव अवांगखू पहुंचे डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि नई रेल लाइन का निर्माण हो या नए हवाई अड्डों को स्थापित करना हो, केंद्र सरकार पूरे उत्तर पूर्व के विकास पर ध्यान दे रही है। Exhibit the children's film to the local village people and the children's. And I also mentioned that our Prime Minister's concern with this area to develop the northeast region. For that, the Kohima to this place to already two-lane road is sanctioned. The road sanctioned, that the tender also plotted. The work is going to start, and also from the Kohima, from the Timapur to Kohima railway connectivity is also the work is getting. And also I mentioned that from Dimapur 8 Udham stations are connected. सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि उनका मंत्रालय भी सीमा से सटे गांवों पर विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि ढांचागत नेटवर्क को बेहतर किया जा रहा है, साथ ही सीमांत गांवों में मुफ्त DD DTH भी दिया जा रहा है। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू द बॉर्डर विलेजेस ऑलमोस्ट 8 लाख DTH सेटअप बॉक्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस एरिया एंड फर्दर वी वांट टू स्ट्रेंथन एंड नेटवर्क फैसिलिटीज एंड टेलीफोन कनेक्टिविटीज आर हैपनिंग हियर सो द पीपल आर विटनेसिंग द डेवलपमेंट। इससे पहले सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का अवांगखू गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर मुरुगन ने स्थानीय सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ संवाद भी किया। केंद्रीय मंत्री के आगमन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। स्थानीय ग्रामीण केंद्रीय मंत्री के दौरे से खासे उत्साहित नजर आए। It has actually improved a lot, like improved a lot after our new president. Because of the development here, we might be getting a lot of opportunities for a job as well as for like communication purpose. And like we are very grateful and thankful for our president. इससे पहले शुक्रवार को हेक जिले में केंद्रीय मंत्री ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। अपने दौरे के दूसरे दिन सूचना प्रसारण मंत्री एल मुरुगन ने सीमावर्ती गांव अवांगखू सहित दो अन्य गांवों का भी दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लिया, साथ ही सीमा के निकट जाकर वहां के हालात का भी अवलोकन किया। गौरतलब है कि मोदी सरकार देश के सीमावर्ती इलाकों के विकास पर जोर दे रही है, जिसका साफ असर सकारात्मक बदलाव के तौर पर इन गांवों में देखा जा सकता है। जो गांव के निवासी है इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न है कि केंद्रीय मंत्री का दौरा हो रहा है ऐसे गांव में जो भारत म्यांमार सीमा पर एक तरह से कहें पहला गांव है भारत का, और इस गांव के आसपास अब विकास तेज रफ्तार से हो रहा है। सड़क का टेंडर हुआ है, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहां पर अब दिखाई देने लगा है और उम्मीद बंधी है कि ये गांव विकास के लिए एक नई नजीर बनेगा और इस तरह से जो भी सीमावर्ती गांव है वहां पर विकास की नई किरण तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD News। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के बढ़ते वर्चस्व का पर्याय बन रही है। ऐसे एक बड़े मिशन के जरिए इसरो ने अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से सिंगापुर के दो बड़े सैटेलाइट्स और एक इन हाउस प्लेटफॉर्म के साथ उड़ान भरी। ये सैटेलाइट समुद्री सुरक्षा और मौसम की जानकारी देंगे। 4, 3, 2, 1, 0। शनिवार का दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ऐतिहासिक रहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने शनिवार को अपने एक और बड़े मिशन पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को लॉन्च कर दिया। इस रॉकेट ने सिंगापुर के दो बड़े सैटेलाइट और एक इन हाउस प्लेटफॉर्म के साथ उड़ान भरी। PSLV C-55 मिशन को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:19 पर लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को बधाई दी। श्री सोमनाथ ने बताया कि दोनों उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये सैटेलाइट समुद्री सुरक्षा और मौसम की जानकारी देंगे। PSLV has placed both the satellites
Telios 2 and Lumlight in the intended orbit. This was a mission towards east direction, and the inclination is very small, 9.99 degrees, very precise. And the PSLV in its 57th mission has once again demonstrated its high reliability and its suitability for commercial missions of this class. So congratulations once again to NSIL and PSLV team for this exciting mission. इस यान से सिंगापुर के दो उपग्रह 741 किलोग्राम वजन वाला प्राथमिक उपग्रह टेलियोस 2 और 16 किलोग्राम वजन वाला सहयात्री उपग्रह ल्यूमेलाइट 4 छोड़े गए। टेलियोस 2 में सिंथेटिक अपर्चर रडार है जो हर मौसम में दिन रात 1 मीटर के रेजोल्यूशन से जानकारी देगा। ल्यूमेलाइट 4 सिंगापुर की ई नेविगेशन समुद्री सुरक्षा संबंधी संचार उपग्रह है। यह प्रक्षेपण न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया जो इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। इन दिस पर्टिकुलर मिशन वी हैड द प्राइमरी सैटेलाइट टेलियोस 2 व्हिच इज द रडार इमेजिंग सैटेलाइट बिल्ट बाय एसटी इंजीनियरिंग एंड डीएसटी व्हिच इज अ गवर्नमेंटल एजेंसी and I'm happy to inform here this is the first time a radar imaging satellite has been made by the Singapore team indigenously and I would like to take the opportunity to thank on behalf of NSIL and ISRO the team Singapore for this wonderful effort that you have taken up. Now in this mission we also had one more satellite Lumlight 4. These were the two satellites which are separated from the launch vehicle. Lumlight 4 which is a nano satellite technology demonstrated for Singapore once again. And I'm sure that in the future, once the satellites have been placed in such a precise orbit, their in-orbit operations and the demonstration and the services that this particular satellite is going to provide to the nation is going to be extremely important. यह PSLV की 57वीं उड़ान है और PSLV कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन PSLV-CA का इस्तेमाल करते हुए 16वां मिशन है। इस मिशन को TLEOS-2 नाम दिया गया है। यह तीसरी बार है कि उपग्रह के अलग होने के बाद PS4 का इस्तेमाल प्रयोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मजा आएगा, जल्द हाजिर होंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए। वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाई जान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान, कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान, कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय भैंस बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान, मेरा करो कल्याण। बीमा, जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in Merchant Navy and Marine Engineering. With world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations, it's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023-24. Break ke baad ek baar phir aap sabhi ka swagat hai aur ab कर्नाटक के चुनावी समर पर हमारा खास सेगमेंट कर्नाटक का रण। और
कर्नाटक के चुनावी रण में इन दिनों सियासत का हर रंग देखने को मिल रहा है। नेता जनता के बीच अपने वादों के साथ पहुंच रहे हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। प्रदेश में बड़े नेताओं की रैलियां जोर पकड़ रही हैं तो राजनीतिक दलों के प्रति नेताओं की निष्ठा को भी बदलते हुए देखा जा सकता है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे जबकि मतों की गिनती 13 मई को होगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चली है। इस बीच सबकी नजर कनकपुरा विधानसभा सीट पर टिक गई है जहां से कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस सीट को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी जिस पर अब विराम लग गया है। दरअसल रिटर्निंग अफसर ने कनकपुरा विधानसभा सीट के लिए डीके शिवकुमार के नामांकन को स्वीकार कर लिया जिसे उनके और भाजपा के राजस्व मंत्री आर अशोक के बीच एक हाई प्रोफाइल लड़ाई का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले डीके शिवकुमार ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री कार्यालय से रिटर्निंग ऑफिसर को कॉल जा रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की बात कही जा रही है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस पर भाजपा के खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार बीजेपी के खिलाफ झूठी कहानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके आरोप गलत साबित हुए। डीके शिवकुमार उनका नामांकन रद्द नहीं हुआ यही सबसे बड़ा सबूत है। ये बेकार की बातें कर रहे हैं। This is involving in telephoning to all the retiring officers to disqualify many of the Congress candidates and at the same time some of the applications of BJP which are supposed to be rejected, they are asking to be see that it has been on hold and rectify them and give them an opportunity. इस बीच कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 219 सीटों पर 4,989 नामांकनों की जांच पूरी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने 3,044 नामांकन पत्रों को वैध पाया है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी के 219, कांग्रेस के 218, जनता दल सेकुलर के 207, आम आदमी पार्टी के 207, बहुजन समाज पार्टी के 135 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 4 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे जबकि मतों की गिनती 13 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की लचर कानून व्यवस्था और महिला असुरक्षा का एक और मामला सामने आया है। उत्तरी दिनाजपुर जिले में एक अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। स्थानीय पुलिस की संवेदनहीनता का आलम यह रहा कि परिजनों ने से लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी पीड़िता के शव को लगभग घसीटते हुए लेकर गए। इसके बाद लोगों को गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लोगों पर लाठियां भाजनी पड़ी। इलाके में अभी भी तनाव व्याप्त है। हिंसा और आगजनी की ये ताजा तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले की हैं, जहां आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लोगों पर लाठियां बरसानी पड़ी। लचर कानून व्यवस्था से दो चार हो रहे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में फिर हिंसा फैल गई है। ताजा मामला उत्तरी दिनाजपुर जिले के कालियागंज का है जहां अनुसूचित जाति की एक नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है। पुलिस ने मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी की बात कही है जिन पर हत्या और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि इस वीडियो में पश्चिम बंगाल पुलिस जिस शव को असंवेदनशीलता से खींच रही है वह उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज में राजवंशी समुदाय की एक नाबालिग बलात्कार और हत्या पीड़िता का शव है। इस तरह की जल्दबाजी अक्सर तब देखी जाती है जब मकसद सबूतों को खत्म करना या कमजोर करना और अपराध पर पर्दा डालना होता है।
वहीं कई कोशिशों के बाद पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने में सफल हो पाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने न्याय के लिए संघर्ष करते रहने की बात कही। मजूमदार ने राज्य की कानून व्यवस्था को फेल बताया। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने इस निशंस कांड के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। केंद्रीय एजेंसी को जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए कि ये जो घटना घटा, अभी तक ये विवृति नहीं दिया। वो मुख्यमंत्री होने से उनका मतलब ये पद को उन्होंने ठीक ठाक से सम्मान नहीं दे रहा है, उसको रिजाइन देना चाहिए। पीड़ित परिवार ने राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस की मंशा पर सवाल उठाते हुए मामले की जाँच सीबीआई से कराने की मांग की है। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक टीम भी आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की अगुवाई में घटना की जांच के लिए पहुंच गई है। बंगाल की सरकार से यही बार बार अनुरोध है कि उनको थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, खासतौर पर बच्चों के मामले में, विशेषतः लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के। दरअसल राज्य में महिलाओं और खासतौर पर नाबालिग लड़कियों के साथ दरिंदगी का ये पहला मामला नहीं है। बीते मार्च महीने में कोलकाता के तिलजला इलाके में 7 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या की घटना में कोलकाता जल उठा था। जनवरी 2023 में जलपाईगुड़ी जिले में भी मानवता शर्मसार हुई थी, जब 10वीं के एक छात्रा के साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया और फिर सबूत मिटाने के लिए बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। संवेदनहीनता का आलम यह कि पिछले वर्ष नादिया जिले के हंसखाली में कक्षा 9 की एक छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के बेटे की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी ने पीड़ित लड़की के चरित्र पर लांछन लगाते हुए घटना को प्रेम प्रसंग का परिणाम बता दिया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने तिलजला कांड की जांच के दौरान ऐसी ही एक घटना का उल्लेख किया। पिछली दफा तिलजला में जो उन्होंने किया, उन्होंने तो मेरे ऊपर हमला कर दिया और पुलिस थाने में पुलिस ने मेरे ऊपर हमला किया, तो पश्चिम बंगाल सरकार का तो रवैया एकदम नकारात्मक है। कानून व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार पर सवालिया निशान लगते रहे हैं, चाहे चुनावों के बाद बदले की भावना से की गई हिंसा हो या फिर रामनवमी जैसे त्योहारों के दौरान होने वाली हिंसा। खास बात है कि तृणमूल कैडर और पुलिस के भी इस हिंसा में लिप्त होने के सबूत मिलते रहे हैं। यही वजह है कि विपक्ष इसे तुष्टीकरण की नीति के तहत राज्य प्रायोजित हिंसा बताता है। कई मामलों में हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऐसे मामलों की जांच हो रही है। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये मामला और इसी पर आज का हमारा विशेष चर्चा का यही हमारा विषय है और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विशेष है पश्चिम बंगाल में ध्वस्त होती कानून व्यवस्था और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में ध्वस्त होती कानून व्यवस्था, जिस तरह से लचर हुई है कानून व्यवस्था, एक के बाद एक मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति बेहद खराब है और पश्चिम बंगाल में ध्वस्त होती कानून व्यवस्था, ये आज हमारे जो चर्चा का विषय होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर विशेष गुप्ता जो कि पूर्व चेयरमैन हैं बाल संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ प्रफुल्ल केतकर जो कि एडिटर हैं ऑर्गेनाइजर के, वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी, आपका भी स्वागत है। विशेष गुप्ता जी, आपके साथ अगर इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें तो इस तरह की जो आज जिस तरह की घटना सामने आई है और ये देखने में आ रहा है, दरअसल घटना तो बृहस्पतिवार की है और उसके बाद जिस तरह से हिंसा फैली है और अब जो लोगों में गुस्सा है, ये पहला कोई मामला नहीं है, एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं। अभी हमने जो अपना स्टोरी जो चलाई है उसमें हमने एक के बाद एक बताया है कि किस तरह से कहां कहां इस तरह से जो छोटी बच्चियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, किस तरह से इस पूरी स्थिति को देखते हैं। अब आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, किस तरह से होगा ये? देखिए, ये पश्चिम बंगाल की कोई अकेली घटना नहीं है, 4-5 महीने में ऐसी दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं और इससे सीधे तौर पर यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जिस बच्ची की, नाबालिग बच्ची की
हत्या की गई है और जिस प्रकार से बलात्कार किया गया है, ये सारी सुरक्षा की एजेंसियों पर सवाल उठते हैं, सरकार पर भी सवाल उठते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। और इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि इस प्रकार की घटनाएं स्पष्ट तौर पर दिखाती हैं कि वहां पुलिस का राज ना होकर जंगल राज है, और वहां जिस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है उस सरकार की व्यवस्था का भी कोई नियंत्रण वहां पर नहीं रह गया है। ये निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के बाल आयोग को, वहां की बाल कल्याण समिति को निश्चित तौर पर संज्ञान लेके इसकी गहन जांच हो, ताकि ये सच सामने आ सके और इस सच के आधार पर जो दोषी है उनको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ दंडात्मक उनके साथ कार्रवाई हो, तभी इस प्रकार की घटनाओं का एक भय पैदा होगा और इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। आपने देखा डॉक्टर गुप्ता, दरअसल जवाबदेही की बात हो इसलिए भी हो रही है कि आपने देखा किस संवेदनहीन तरीके से पुलिस जो है वो पीड़िता के शव को लगभग घसीटते हुए लेकर जा रही है। तो बात सभी के मन में है कि आखिर क्या ये जो जवाबदेही है वो सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित रह जाती है जिन्होंने अपराध कारित किया है, या उससे आगे बढ़कर और भी लोग इसमें जवाबदेह होते हैं जो सिस्टम को चलाते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि वहां के राज की संवेदनहीनता, पुलिस की संवेदनहीनता, सरकार की संवेदनहीनता से वहां पूरी जनता भी सुसुप्त अवस्था में है, और इसलिए जिस प्रकार से इस बच्ची को घसीटा गया है ये तो जघन्य अपराध है। और इस जघन्य अपराध में इन सबको कम से कम सस्पेंड किया जाना चाहिए और इसकी गहन जांच करके इनके साथ में ऐसी कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय में सुरक्षात्मक व्यवस्था ठीक हो सके। हमारी जिम्मेदारी, सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी नाबालिग बच्चों के केयर प्रोटेक्शन रिहैबिलिटेशन की है, यानी ऐसे बच्चों का संरक्षण किया जाए, सुरक्षा किया जाए, पुनर्वासन किया जाए। ये जेजे एक्ट का निश्चित तौर पर उल्लंघन है और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर्यांग कानून भी जरूर इसका कहीं ना कहीं संज्ञान लेंगे और उस संज्ञान के आधार पर इस सरकार को और इस प्रशासन की एजेंसी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जी जी जी, प्रफुल्ल केतकर जी, आपको लगता है कि ये जो कानून व्यवस्था की बात होती है, जब राज्य के सक्षम नेतृत्व की बात होती है, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात होती है, उसके साथ ही साथ ये बात कहीं ना कहीं सामने एक और आती है कि राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए कई बार अपराधियों को प्रश्रय देना या अपने कैडर्स को प्रश्रय देना जब शुरू करती है कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य की हो या कोई भी सरकार हो, तो इस तरह की चीजें, उस तरह की परिणति सामने आती है, क्या कहेंगे आप? देखिए निखिल, हम यदि इसमें एक पैटर्न देखते हैं जी, तो पिछले वर्ष चुनाव के बाद खेला होबे के नाम से पश्चिम बंगाल में चुनावोत्तर जो हिंसा का दौर चला उसमें भी यही स्थिति थी। महिलाओं पर अत्याचार हुए थे, जहां जहां पे भी विरोधी दलों की ऐसा लगा कि परिवार की महिलाएं हैं, वो कितने दिनों तक अपने घरवार छोड़कर बाहर रहना पड़ा था। और इसमें एक सिस्टमैटिक गैंग, जैसे ग्रूमिंग गैंग के नाम से एक ब्रिटेन में पैटर्न चला, जिसके विरोध में अभी पहली बार 15-20 साल के बाद वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि वहां की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस स्टेशन से भी राजनीतिक दबाव के कारण या पॉलिटिकली करेक्ट होने के नाम पर इन सारे चीजों से बदलती थी। तो आज ये नॉर्थ दिनाजपुर की जो घटना है, जहां पे एक लड़की अपने ट्यूशन क्लास के लिए निकलती है, उसके बाद उसके साथ इस तरह का दुष्कर्म होता है, और जब वो पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए निकलती है तो उसके साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, लड़की के शव के साथ जिस तरह का व्यवहार, ये क्लियरली दिखाता है जब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस मशीनरी होती है जी, तो उसके क्या परिणाम होते हैं। पश्चिम बंगाल उसका क्लासिक उदाहरण है, क्योंकि कम्युनिस्टों के रेजिम से पुलिस का पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन ये वहां पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में ना कोई बात करता है, उसके बारे में ना कभी चर्चा होती है पुलिस रिफॉर्म की। और मजे की बात तो यह है कि जब उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है, कानून व्यवस्था की और कहीं पे बात होती है, तो यही पश्चिम बंगाल सरकार के नेता, पश्चिम बंगाल सरकार के जो सांसद है, वो खुलकर इसके बारे में दूसरे प्रदेशों को सबक सिखाने की बात करते हैं, लेकिन पोस्टल वायलेंस के संबंध में जब रिपोर्ट आती है तो ये कहते हैं नहीं, ये तो हमको बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियां करवा रही है जी। भैया, घटना रजिस्टर हो रही है, वहां पे लोग पलायन कर रहे हैं, उनको आप स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर या स्टेट का सब्जेक्ट है, आप उसको एड्रेस करोगे या नहीं करोगे? मूल तो विषय ये है
जी बिल्कुल फेलियर है, और साफ तौर पर लोग एजिटेशन कर रहे हैं, और जो हत्या और बलात्कार हुई है वो तो सच उसका सब सामने ही है। डॉक्टर विशेष गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे, जो बाल संरक्षण आयोग है, क्या उसके अधिकार है, क्या कुछ इस तरह के मामले में वो कर सकता है? क्योंकि अभी हमने जिस तरह से सुना कानून गो जी को भी अपने इस स्टोरी के दौरान, कि जब टीमें वहां जांच करने के लिए जाती हैं तो उनको वहां जाने नहीं दिया जाता, जांच में बाधा पहुंचाई जाती है, और इतना ही नहीं बल्कि पुलिस के साथ मिल करके हमला कर दिया जाता है। ये ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में पहले भी देखी गई जी। और कई बार वर्तमान सरकार के नेता भी इस प्रकार के जघन्य अपराधों में, यौन अपराधों में शामिल पाए गए। ये घटनाएं बताती, तथ्य बताते हैं। बाल संरक्षण आयोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बाल संरक्षण आयोग एक ऐसा आयोग है जिसको संज्ञान लेने का अधिकार है, और संज्ञान लेने के अधिकार के अंतर्गत यदि अधिकारी जवाब नहीं देते तो फिर सिविल कोर्ट का काम भी करती है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वहां का, लेकिन चूंकि बाल संरक्षण आयोग कहीं ना कहीं सरकारी जो प्रश्न है उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता जरूर कहीं ना कहीं उसका साथ होगा। इसलिए मैं जब उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग में था तो मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि ऐसी घटनाओं को दबाने की जगह वहां की इंक्वायरी की जाए, और इंक्वायरी करने के बाद जो भी एजेंसी है, आप हम सरकार को बताते, सरकार उस पर ऐसी कई बार कार्रवाई की गई है सरकार जी, 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 तो संज्ञान लेना, ऐसे बच्चों का संज्ञान लेना जो नाबालिग बच्चों के साथ जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, जघन्य अपराध के साथ में उनके साथ उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। एक बच्चे का अधिकार है कि वो सड़क पर ठीक चले, उसको सुरक्षा व्यवस्था मिले, उसको कानून की व्यवस्था मिले। एक बच्चा अगर पढ़ने के लिए जाता है तो ठीक प्रकार से वो स्कूल जाए, घर लौट के आए, लेकिन अगर प्रशासन ही उसमें शामिल होता है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार पर सवाल उठते हैं कि सरकार की जो व्यवस्था है, राज्य की व्यवस्था कमजोर हो गई है, और जितना भी प्रशासनिक तंत्र था वो पुलिस की जो व्यवस्था है वो राज्य की पुलिस होती थी, जनता की पुलिस से वो राज्य की पुलिस बन गई है। जी जी जी, कहीं ना कहीं बिल्कुल राज्य जिस प्रकार से उसको गाइड करता वैसा वो व्यवस्था अपनी सामने आती है, समाज के सामने आती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो ये बड़ा प्रश्न है जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, जो वहाँ का नेतृत्व है, और जो लोग एजिटेटेड है वो जाहिर तौर पर इसलिए है क्योंकि उनके साथ में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, विशेष गुप्ता जी आपका और प्रफुल्ल केतकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Ladakh welcomes the Y20 delegates with warmth and compassion to the pre-summit to be held in Leh from 26th to 28th April. Be part of this global event in the land of enchanting beauty and peace. The Y20 pre-summit brings together young leaders from the G20 countries to discuss some of the most pressing issues of our time. This year's theme is Vasudhaiva Kutumbakam, or One Earth, One Family, One Future. The Y20 Pre-Summit is a platform for young leaders to connect, learn and grow. Delegates will exchange ideas, share experiences and build meaningful relationships that will last a lifetime. Amidst the natural beauty of this land with its unique tradition and rich heritage, a blend of diverse cultural ethnicity and hospitality at its best, Ladakh is the perfect destination for this event. The delegates from all 20 countries will be welcomed with open arms by the friendly locals and will have the opportunity to engage with the community and experience the local culture firsthand. We are thrilled to host this event. Let's create history together in the mystic land of Ladakh. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पुंछ में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद देश भर में गम और गुस्से का माहौल है। वहीं सेना आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। आतंकियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों से मदद ली जा रही है, और घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। वहीं हमले में शहीद सभी 5 जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहनगर लाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
पूंछ में गुरुवार को हुए कायराना आतंकी हमले के बाद सेना का तलाशी अभियान शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। आतंकवादियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक SL थाउसन और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह सहित शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अलावा सीमा क्षेत्र की सुरक्षा समीक्षा के दौरान घटनास्थल का दौरा किया। अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के लिए 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनमें से कुछ को छोड़ दिया गया है। वहीं हमले में शहीद सभी 5 जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहनगर लाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुंछ जिले में आतंकी हमले में 5 जवानों के शहीद होने का दुख देश भर के लोगों में है। शनिवार को देश के सभी हिस्सों में ईद मनाई गई, लेकिन जिस इलाके में जवान पर आतंकी हमला हुआ वहां के लोगों ने ईद नहीं मनाई, सिर्फ नमाज अदा कर शहीदों के परिजनों के लिए दुआ मांगी गई। अपने फौजी भाइयों के परिवार के साथ खड़े हैं और हम जैसे कि पहले ईद को सेलिब्रेट करते थे, आज गांव के अंदर कोई भी बंदा उस तरह ईद को सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बड़े दुख और गम का दिन है हमारे लिए। हमारे 5 जवान शहीद हो गए और उनके घरों में मातम है। हम और हमारी पंचायत के सारे लोग अपने फौजी भाइयों के परिवार के साथ खड़े हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी कल घटनास्थल का दौरा कर जायजा लिया था। आतंकवादियों का पता लगाने के ऑपरेशन में सैनिक अत्यधिक सावधानी बरतने का काम कर रहे हैं। जम्मू से रमेश रैना के साथ ब्यूरो इनपुट, डीडी न्यूज। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस सूचकांक 2023 में भारत ने अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है। भारत ने इसमें अपनी ताजा रैंकिंग में 6 स्थानों का सुधार कर 139 देशों के बीच 38वां स्थान हासिल किया है। पीएम मोदी ने कहा, आंकड़े हमारे सुधारों को प्रोत्साहित करते हैं। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक 2023 में भारत ने अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है। भारत ने इसमें अपनी ताजा रैंकिंग में 6 स्थानों का सुधार कर 139 देशों के बीच 38वां स्थान हासिल किया है। वर्ष 2018 में भारत की रैंकिंग 44 थी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत के प्रदर्शन में 2014 के बाद काफी सुधार हुआ है। 2014 में भारत 54वें स्थान पर था। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने व्यापार से संबंधित सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में निवेश किया है, जिससे दोनों तटों पर पोर्ट गेटवे को भीतरी इलाकों में आर्थिक केंद्रों से जोड़ने में मदद मिली है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि एंड टू एंड सप्लाई चेन, विशेष रूप से भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को विकसित देशों की तुलना में बंदरगाहों में होने वाली देरी को 70% तक कम करने में सफलता मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर में भारत की रैंक 2018 में 52 से 2023 में 47 हो गई है। 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में जहां 22वें स्थान पर है, वहीं इसी श्रेणी में 2018 में भारत 44वें स्थान पर था। लॉजिस्टिक क्षमता और गुणवत्ता के मामले में भारत की रैंकिंग में 4 स्थानों का सुधार देखने को मिला है। भारत इस लिहाज से 48वीं रैंकिंग पर है। समय सीमा की श्रेणी में भारत को रैंकिंग में 17 स्थान की उछाल मिली है, जबकि ट्रैकिंग और ट्रेसिंग में ये 3 स्थान बढ़कर 38 पर पहुंच गया है। सरकार ने इससे पहले अक्टूबर 2021 में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए और 2024-2025 तक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गतिशक्ति की पहल की घोषणा की थी। 2022 में पीएम ने अंतिम मील वितरण परिवहन संबंधी चुनौतियों को समाप्त करने, निर्माताओं के समय और धन की बचत, कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकने और रसद क्षेत्र में वांछित गति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय रसद नीति NLP की शुरुआत की। ये नीतिगत हस्तक्षेप अब परिणाम दे रहे हैं, जिससे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और इसके अन्य मापदंडों में भारत की छलांग के रूप में देखा जा सकता है। भारत की इस उल्लेखनीय सफलता और विकसित देशों को भी पीछे छोड़ देने के लिए आधुनिकीकरण और डिजिटलाइजेशन को मुख्य वजह माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने व्यापार से संबंधित सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में निवेश किया है, जिससे दोनों तटों पर
पोर्ट गेटवे को भीतरी इलाकों में आर्थिक केंद्रों से जोड़ने में मदद मिली है। आपूर्ति श्रृंखला दृश्यता मंच की सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत कार्यान्वयन के साथ प्रौद्योगिकी इस प्रयास का एक महत्वपूर्ण घटक रही है, जिसने व्यापार में होने वाली देरी में उल्लेखनीय कमी लाने में योगदान दिया है। NICDC लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज लिमिटेड कंटेनरों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लागू करता है और व्यापारियों को उनकी आपूर्ति श्रृंखला की एंड टू एंड ट्रैकिंग प्रदान करता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और सिंगापुर में मई और अक्टूबर 2022 के बीच कंटेनरों के लिए औसत ठहराव का समय 3 दिन था, जो कुछ औद्योगिक देशों की तुलना में काफी बेहतर है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के लिए ठहराव का समय 7 दिन था और जर्मनी के लिए ये 10 दिन था। आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और हरित लॉजिस्टिक्स पर भारत का निरंतर ध्यान इसके लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को और बढ़ा सकता है और इसकी व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकता है। बेहतर लॉजिस्टिक क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद कर सकता है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनवाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। सुनिए सुनिए सुनिए, दाऊ चाची बहन भाई जान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान, कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान, कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय भैंस बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान, मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा? जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित है। और अब खबर सौराष्ट्र तमिल संगम की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गिर सोमनाथ में आयोजित तमिल संगमम प्रदर्शनी मैदान का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र तमिल संगमम के जरिए दोनों प्रांतों के बीच पीढ़ियों पुराने संबंध जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे काशी तमिल समागम हुआ, वैसे ही सौराष्ट्र तमिल समागम, जिससे दोनों प्रांतों के बीच जो वर्षों वर्षों, दशकों और पीढ़ियों का संबंध है, उस संबंध को पुनः उजागर करने का जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी का है, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं समझता हूँ हम सब जितना धन्यवाद करें प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो कम होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वास्तव में इस देश में एक नई ऊर्जा और नया उत्साह, नई एकता और अखंडता, नए प्रकार से पूरे देश में आत्मविश्वास जागृत किया है।
जनता आवाज और सीधा संवाद, वही आपके और हमारे मन की बात। जी हाँ, ऐसे जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री लाखों देशवासियों से हर महीने मन की बात कार्यक्रम से। यह कार्यक्रम अप्रैल 2023 में अपनी 7वीं कड़ी पूरी करने जा रहा है। कोविड महामारी के दौरान भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली ने अपनी पूरी क्षमता दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 27 जून 2021 के अपने मन की बात कार्यक्रम में हमारे यहां पाए जाने वाले औषधीय पौधों के महत्व पर बात की थी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो। हमारे आसपास ऐसे कितने ही पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अद्भुत गुण होते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। मुझे नैनीताल से एक साथी भाई परितोष ने इस विषय पर एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें गिलोय और दूसरी कई वनस्पतियों के इतने चमत्कारी मेडिकल गुणों के बारे में कोरोना आने के बाद ही पता चला। परितोष ने मुझे आग्रह भी किया है कि मैं मन की बात के सभी श्रोताओं से कहूं कि आप अपने आसपास की वनस्पतियों के बारे में जानिए और दूसरों को भी बताइए। वास्तव में ये तो हमारी सदियों पुरानी विरासत है जिसे हमें ही संजोना। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in Merchant Navy and Marine Engineering. With world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations, it's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023-24. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज अक्षय तृतीया का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन सोने चांदी की खरीदारी का विशेष महत्व है। वही उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज अक्षय तृतीया के अवसर पर शुभ मुहूर्त में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और इसी के साथ प्रदेश में इस साल चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। देश भर में हर्षोल्लास से अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया को अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया शुभ कार्य, दान पुण्य, स्नान पूजा और तप करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर सोने के आभूषण खरीदने की खास परंपरा है। दरअसल अक्षय तृतीया के दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेने की परंपरा है। यह एक ऐसा दिन है जब आप कोई शुभ काम बिना किसी मुहूर्त के भी कर सकते हैं। आज के दिन देश भर के बाजारों में अच्छी खासी भीड़ दिखी। अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, मुंबई सहित कई अन्य शहरों में ज्वेलरी की दुकानों पर लोग खरीदारी करते नजर आए। अक्षय तृतीया के दिन सोने के आभूषण की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। अक्षय तृतीया के अवसर पर प्रयागराज के संगम में भक्तों ने पवित्र डुबकी लगाकर दिन की शुरुआत की। श्रद्धालुओं ने तड़के ही संगम में डुबकी लगाने के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की पूजा की। आज का ये मान्यता है कि जो भी हम लोग स्नान ध्यान पूजा पाठ करते हैं वो सब अच्छा रहता है और वो हमको जन्मों जन्मों में वो हमारे साथ संचित कर्म के साथ जुड़ा रहता है। आज स्नान करना चाहिए, भगवान को जो है शिवलिंग बना के पूजा करना चाहिए। स्नान दान करो, जो भी हो सके उसको आप दान दे दीजिएगा। अक्षय तृतीया के मौके पर भोपाल शहर के लाल घाटे स्थित प्राचीन गुफा मंदिर में अक्षयोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुफा मंदिर के प्रांगण में एक विशाल भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश ब्राह्मण कल्याण बोर्ड मनाने की भी घोषणा की। यहाँ एक विशाल भवन बनाया जाएगा ताकि यहाँ खड़े रहने में दिक्कत ना हो, बैठने में दिक्कत ना हो, आयोजन में दिक्कत ना हो। भगवान परशुराम जी का जब जन्म हुआ था वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन आज जाना पाओ नहीं, मैं विस्तार से बोलूंगा, लेकिन भगवान परशुराम जी का एक विशाल लोक
परशुराम धाम का निर्माण किया जाएगा ताकि भगवान परशुराम से हम सब प्रेरणा लें, अन्याय अत्याचार को खत्म करें और आगे बढ़ें। और देश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना करते हुए ईद की शुभकामनाएं दी। ईद उल फित्र या ईद एक इस्लामी त्यौहार है। रमजान के महीने का रोजा रखने के बाद बड़ी धूमधाम से आज देश भर में ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद उल फित्र के मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद फतेहपुर मस्जिद में लोगों ने बड़ी संख्या में नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। बड़ी खुशी का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जामा मस्जिद ईदगाह पे नमाज हमने अदा की। हिंदुस्तान के अंदर हर जगह ईद की नमाज हो रही है, बड़ी प्यार मोहब्बत से हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। देशवासियों को बहुत बहुत ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये यकीनी तौर पर ये 30 दिन के जो रोजे रखने के बाद ये बहुत अहम मौका होता है और ये इतना खुशी का मौका होता है कि हम लोग इसको जो एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं। अमन का, भाईचारगी का, इंसानियत का, रवादारी का, मोहब्बत का और जो इंसानियत का पैगाम है वो मैं समझता हूँ कि मौजे वक्त के लिए बहुत जरूरी है और ईद उल फित्र का भी यही पैगाम है। दिल्ली में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद के मौके पर इमामिया हॉल शिया मस्जिद में नमाज अदा की। नकवी ने सभी देशवासियों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि देश सभी तरह के खतरों, बीमारी और विध्वंस से दूर रहे। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने भी संसद स्ट्रीट मस्जिद में ईद की नमाज अदा की और देशवासियों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि देशवासियों को शांति से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। सभी पूरे देशवासियों को और पूरी दुनिया के लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामना। पूरी दुनिया और विशेष तौर से मेरा मुल्क और मेरे मुल्क के लोग किसी भी तरह की आफत से, आपदा से, आतंक से, अपराध से महफूज रहें और सभी लोगों की सेहत, सलामती, सुरक्षा और देश की का सौहार्द और समरसता मजबूत रहे, यही हमारी शुभकामना भी है, यही हमारी दुआ भी है। सबके ज़िंदगी में खुशियां आए ऐसी दुआ करता हूं, उम्मीद करता हूं पूरे मुल्क में लोग मिलकर रहें, अमन अमान के साथ रहें, सारे गिले शिकवे भुला कर गले लग जाएं और इस मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करें। और आज दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। इस खास दिन को लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में चल रहे पर्यावरण संरक्षण के आंदोलनों के जरिए धरती के बेशकीमती संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने की बात भी जोर शोर से उठ रही है। इस बार के विश्व पृथ्वी दिवस का थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट रखा गया है। हर राष्ट्र की प्राथमिकता अपने देश के हित के साथ ही विश्व हित की हो। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आज विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का ये मंत्र दुनिया भर में गूंज रहा है। ये केवल एक खास दिन ही नहीं है बल्कि सतत विकास और पर्यावरणीय मुद्दों के लिए जागरूकता फैलाने वाला एक आंदोलन है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने और अर्थव्यवस्था में उत्सर्जन की तीव्रता को 45% तक कम करने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की है। साथ ही 2030 तक 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को जिनको आप देखिए फटाफट अंदाज में और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के सिलसिले में सीबीआई ने तेहट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक तापस साहा की करीबी तृणमूल नेत्री इति सरकार के घर पर छापेमारी की है। दूसरी ओर सीबीआई की दूसरी टीम ने शनिवार को तापस के बेटे सगनिक से बेंगलुरु में भी पूछताछ की।
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेता सुरेंद्र मटियाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या में शामिल शूटर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने नई दिल्ली में नए असम भवन की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये नया परिसर राज्य के रोगियों और छात्रों के काम आएगा।